बिहार के मुजफ्फरपुर में दो गुटों के बीच दिन दहाड़े हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप मच गया। वहां तीन हथियारबंद बदमाशों ने एक बस अड्डे में स्टैंड इंचार्ज कुंदन सिंह पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। कुंदन सिंह को गोली लगने के बाद उनके साथियों ने उन्हें जवाबी फायरिंग भी की। जवाबी फायरिंग की वजह से बदमाश वहां से एक बस के अंदर छिप गए और इसी बीच फायरिंग की जानकारी मिलने पर पुलिस और QRT के जवान मौके पर पहुंचे, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर भी फायरिंग शुरू कर दी और इसके बाद जवाब में पुलिस ने जवानों ने बस को घेर लिया और AK-47 से गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस एनकाउंटर में पुलिस ने एक बदमाश को मार गिराया जबकि एक बदमाश इसमें घायल भी हो गया। वहीं इस हमले में बुरी तरह से जख्मी कुंदन सिंह की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। जब पुलिस आई तो पुलिस पर भी फायर हुआ और अपराधी बस में छुप करके चारों तरफ फायर करने लगे। दूसरी बस पर चढ़ करके पुलिस बल को अपराधी को न्यूट्रलाइज किया गया है। आगे की सूचना अपराधियों को पहचान होने पर हम लोग देंगे। हाँ बिल्कुल, एक पिस्टल बरामद है, दूसरा पिस्टल भी हम लोग यहीं आसपास कहीं है, उसको हम लोग ढूंढ रहे हैं। तीनों को प्रोटेक्ट किया गया है, FSLT पहुंच रही है, सारी कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। अभी कुंदन सिंह पर क्यों फायरिंग आया, अब तीनों अपराधी की पहचान होने के बाद में कारणों का पता चलेगा। तो बिहार के मुजफ्फरपुर ही नहीं बल्कि सीवान में भी बड़ी आपराधिक घटना हुई है, जहां सांसद शाहबुद्दीन के करीबी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस को वारदात की जगह से एक गोली और खोखा भी मिला है। मारे गए शख्स का नाम मोहम्मद यूसुफ बताया गया, जो शाहबुद्दीन का करीबी था। हत्या की वारदात के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल भी शुरू कर दी। सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी व्यक्ति को गोली मारी गई है DAV मोड़ के पास, तो टाउन थाना अध्यक्ष गए थे और उनको हॉस्पिटल लाया गया। जो जिनको गोली लगी थी, एक गोली लगी है छाती में बाईं तरफ और उनकी मृत्यु हो चुकी है। कोई भी हो, भतीजा हो, भाई हो या आम आदमी हो, अगर कहीं किसी को गोली मारी जाती है, हत्या होती है, तो उसकी निष्पक्ष इंक्वायरी होनी चाहिए, देखना चाहिए कि वजह क्या है। चूंकि शाहबुद्दीन का भतीजा है, इसलिए जाहिर है कि सवाल तो उठेगा ही।